यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बीजेपी पार्टी मिशन 2019 को लेकर अभी से ही जोर आजमाइश में जुट चुकी है। बीजेपी आने वाले चार विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर कमर भी कस चुकी है। आगामी चुनावों में विधानसभा और लोकसभा की अगर बात की जाए तो 2019 की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा और किस तरीके से आगे की रणनीति रहने वाली है वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय किया जाएगा। जनता महंगाई से मरी जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जनता के जेब में आग लगा रही हैं और सड़कों पर प्रदर्शन होना भी कम हो गया है। तभी तो बीजेपी के दिग्गज नेता मंथन में लगे हैं और मंथन की बात सुनकर खुश मत होइए। ये मंथन आपके काम का नहीं, उनके काम का है। हाँ, हो सकता है चुनावी लिहाज से आपके भी काम का हो, क्योंकि दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में 2 दिवसीय मंथन चल रहा है। उस मंथन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, जो चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है महंगाई से लेकर SC ST एक्ट और स्वर्णों के विरोध पर भी चर्चा हो। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर बुलाई गई इस बैठक में विपक्ष के हमलों से भी निपटने की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि राहुल लगातार राफेल को लेकर हमले कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा हिमाचल समेत कई राज्यों में महंगाई का मुद्दा भी विपक्षी पार्टियों के लिए चरम पर है। हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर दोबारा से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हरियाणा बहुत अच्छे स्थान पर खड़ा है। अभी हमने अपनी एक बैठक भी की है जिसमें हमारे पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे चेयरमैन सब लोग थे। फील्ड की जानकारी हमने ली है, आगे हमने कार्यक्रम बनाए हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद न केवल प्रदेश कार्य समिति बल्कि जिला कार्य समितियाँ, मंडल कार्य समितियाँ, बूथ लेवल तक हमारी जो एक्टिविटी है जनवरी तक का सारा रोड मैप हमारा तैयार हो गया है। इसलिए आगे आने वाले इस लगभग 5 महीने में जो कार्यक्रम होंगे और निश्चित रूप से उसमें जनता को जो एक विचार है भारतीय जनता पार्टी का वो नीचे तक जाएगा और जनमत के रूप में अगली आने वाली केंद्र सरकार और फिर हरियाणा सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी के बने। अटल जी के निधन के बाद ये बैठक पहली बैठक, क्योंकि उनके अचानक निधन के कारण जो है बैठक स्थगित हुई थी और उसके इसके पश्चात जो है ये बैठक पहली बार हो रही है, इसलिए भी इसका महत्व है। और उसके साथ साथ में आगामी लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जो योजना, जो रणनीति आगे वर्ष में हमें बननी है और जो पार्टी के नेतृत्व आदरणीय मोदी जी की ओर से और अमित शाह जी की ओर से जो निर्देश होंगे, आदेश होंगे, वो मुझे लगता है कि इस कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण। खैर, दावे जो भी हो, लेकिन बैठक में आगामी चुनावों पर मंथन के साथ राफेल सौदे पर विपक्ष के हमले और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के अलावा अब तेलंगाना के भी चुनावों की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में हो सकता है चर्चा के बाद और चुनावी दौर से पहले जनता के लिए नया ऐलान भी हो। लेकिन अभी इस दौर का क्या होगा जब जनता की जेब काटी जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, गैस सिलेंडर का रेट भी अब तक के इतिहास में चरम पर है। लेकिन ये सब आपका घरेलू मामला है, इसीलिए बीजेपी को मत कोसिए, उन्हें बैठक करने दीजिए, एसी वाले कमरे में सुकून से चुनावी रणनीति पर चर्चा करने दीजिए। बाहर बारिश के मौसम में भी चिलचिलाती धूप है। ये उन लोगों के लिए जिनकी जेबों पर तेल की कीमतों से असर पड़ा है, जिनकी जेब में इस महंगाई के जमाने में रुपए कम है और घर चलाने की चिंता ज्यादा है, उनके लिए ये बारिश का मौसम भी चिलचिलाती धूप के बराबर है। इसलिए ज्यादा सोचिए मत, नियति का लिखा मानकर सब कुछ स्वीकार कर लीजिए और जो हो रहा है होने दीजिए। ये मानकर चलिए कि आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।